हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्वागत है सीता कुकिंग चैनल में। आज बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट आज बनाने वाली हूँ नाश्ता। दोस्तों आज सुबह के यहाँ पे 9 बज रहा है, मैं सोच रही हूँ फटाफट आज नाश्ता बना लूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज छोले भटोले, क्योंकि आज सभी को फरमाइशी है छोले भटोले, तो आज मैं छोले भटोले बना रही हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे 300 ग्राम लिए छोले नाइट के लिए, ओवरनाइट के लिए मैंने रख दी थी भिंगो कर, और यहाँ पे अच्छे से छोले भिंग चुके हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे कुकर में डाल दी हूँ छोले और पानी, और यहाँ पे मैं चाय पत्ती डाली हूँ। चाय पत्ती की फोटली बनाकर मैंने डाल दी हूँ यहाँ पे, 5-6 यहाँ पे सीटी मार दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे छोले बहुत अच्छा से उबल चुके हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। यहाँ पे हाथ से मैं देख रही हूँ, थोड़ी इसको दबा के अच्छे से मसल जा रहा है, तो इसका मतलब है छोले अच्छे से उबला चुका है। और मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल रखी हूँ दोस्तों। और गर्मी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट सोच रही हूँ बनाऊँ किचन से साइड को। और मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच मैंने तेल रख ली हूँ, 1/2 चम्मच मैं जीरा रखी हूँ, और मैंने यहाँ पे 2-4 लहसुन मैंने चॉप करके डाली हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्याज भी चॉप करके डाल दी हूँ छोटी छोटी टुकड़े में, आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज। प्याज को भी मैं अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए प्याज को भी मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने ढक्कन से ढक दी इसको, और ढकने के बाद से आप देख लीजिए मैंने ढक दी हूँ, और ढकने के बाद से मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ। टमाटर को मैंने काट रखी थी, और इसको हमें पेस्ट बनाना है दोस्तों। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है गर्मी की वजह से, इसलिए मैं सोची हूँ लाइट नहीं आएगी तो मैं ऐसे चॉप करके ही डाल दूंगी, तब तक लाइट आ गया तो मैं सोची हूँ चलो पेस्ट बना देती हूँ। तो मैं इसको पेस्ट बना दी हूँ, ये देख लीजिए, थोड़ी धनिया का पत्ता, हरी मिर्च और टमाटर था, सारे को मैंने पेस्ट बना दी। अब देख सकते हैं अच्छे से पेस्ट चुका है। और मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा रही हूँ, ढक्कन हटाई तो प्याज का कलर थोड़ी चेंज हो गया था, मैंने पेस्ट को इसी में डाल दी हूँ दोस्तों। और अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, थोड़ी मैं जार का पानी था उसी में मैंने डाल दी, और इसको भी हमें अच्छी तरह से चलाना है दोस्तों, आप देख लीजिए। और थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी, ढकने के बाद से ये देख लीजिए ढक दी मैंने, यहाँ पे जो मैंने पानी डाली थी अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे प्याज और जो टमाटर का प्यूरी था, मिर्ची का और धनिया, सारे यहाँ पे अब देख लीजिए प्यूरी फ्राई हो गया अच्छे तरह से। अब मैं इसको चला रही हूँ, चलाने के बाद से अब डालूंगी दोस्तों इसमें मसाला। मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ MDH का 2 चम्मच, मैंने छोले मसाला ले रखी थी, ये मार्केट का है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डाल दी हूँ इसी में। और डालने के बाद से यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ी कम है दोस्तों, मैंने यहाँ पे देगी मिर्च डाली हूँ दोस्तों, और देगी मिर्च डाल दी, और यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ जो मैं उस दिन मसाला तैयार की थी घर का दोस्तों, वो मसाला डाल रही हूँ सारे मिक्स। इस मसालों को किसी में भी आप डाल सकते हो, पनीर के सब्जी में, छोले में, कोई चीज में, एक मसाले कई में काम आएंगे, और इतनी स्वादिष्ट। ये देख लीजिए दोस्तों सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करी। अगर इस मसाला का रेसिपी देखना है तो हमारे लिंक पे जाए, वहाँ पे मसाला की वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए दोस्तों। इतनी अच्छी मसाले आप डाल देंगे ना 1 चम्मच, कितनी अच्छी खुशबू और टेस्ट आती है ना दोस्तों, कि क्या बताऊं मैं आपको। आप एक बार ये मसाला की रेसिपी जरूर ट्राई करें। और 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला डाली हूँ, ज़्यादा मसाला मैं घर के ही बनी हुई ज़्यादा डालती हूँ, बाहर का मार्केट का मसाला बहुत कम यूज करती हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे मैंने डाल दी 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दी दोस्तों। और इसको थोड़ी पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ग्रेवी की दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे कलर हो गया है ना दोस्तों। अब इसे हमें फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है दोस्तों, और ढक्कन ढक देती हूँ। ये देखिए फिर से मैंने ढक्कन हटा दी दोस्तों, यहाँ पे मसाला कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, और देख लीजिए जो तेल था बिल्कुल ऊपर तक ले कढ़ाई में आ गया, देख लीजिए बिल्कुल मसाला का कलर चेंज हो गया है दोस्तों। मैं अब क्या कर रही हूँ, कुकर में जो छोले उबला था हुआ, मैं सारे छोले को इसी में डाल देती हूँ, चपाती का पोटली का मैंने साइड कर दी हूँ दोस्तों। अब देख लीजिए इसको ढक के मैं फिर से मैं थोड़ी 2-3 मिनट के लिए इसको पका रही हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है स्वादिष्ट। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची, यहाँ पे 1 मिर्ची में 2 मैंने काट कर रखी थी ऐसे पतला पतला, मैंने इसको भी इसी में डाल दी हूँ दोस्तों। और डालने के बाद से थोड़ी मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी क्रश करके हाथ से ही मैंने डाल दी, और मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता गार्निश करके डाल दी हूँ दोस्तों। और इसको देख लीजिए कितना अच्छा अब छोले बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं भटोले के लिए यहाँ पे मैं डो लगा रही हूँ, यहाँ पे 500 ग्राम मैंने मैदा ले रखी थी मैंने दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने
दो आलू था मैंने, आलू घिया का से मैंने यहाँ पे चस दी हूँ। आप देख सकते हो आलू को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो इसमें थोड़ी गांठें आ जाती है तो फिर बेकार हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं जो थोड़ी थोड़ी बच गए हैं उसको भी हाथ से हम तरते की हेल्प से इसको भी घिया कस कस देती हूँ दोस्तों। अच्छी तरह से यहाँ पे दो तीन आलू ले रखी थी मैंने, इसको भी चस दी हूँ दोस्तों। और देख लीजिए, और बिल्कुल बारीक करना है, यहाँ पे मोटा नहीं रखना, इस बात के हमें ध्यान देना है दोस्तों। और मैं इसको देखिए दोस्तों सारे को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे एक आधा चम्मच मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैंने आलू के क्रिस करके यहाँ पे चस कर डाल रही हूँ घिया चस से। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम बारीक डाल रही हूँ दोस्तों, इसमें कोई मोटा वाली गुठली नहीं जाना चाहिए आलू के, इससे हमारे जो भटोले हैं वो अच्छे से नहीं फूलेंगे। जितना छोटे छोटे बच जा रहा है उसको मैं अलग निकाल देती हूँ या तरती के हेल्प से इसको चस देती हूँ। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे तीन आलू ले रखी हूँ। आप देख सकते हो मैंने आलू छोले में ही रख दी थी मैंने उबालने के लिए, और इसको अच्छी तरह से एकदम बारीक तरह से छोटी वाली बारीक है ना जो, उसी से मैं घिया कस कर रही हूँ दोस्तों यहाँ पे। और जो थोड़ी बच जा रही है उसको मैं तरती की हेल्प से वो कर दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ली हूँ, और छोटी वाली कटोरा से मैंने एक कटोरा मैंने यहाँ पे सूजी ले रखी हूँ बारीक वाला दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखाना मैंने डाल दी थी, मैंने दिखा नहीं पाई हूँ इसलिए मैं बोल देती हूँ दोस्तों यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ बड़े वाला परात में, क्योंकि कटोरा यहाँ पे बॉल में भर चुका है इसलिए हमें मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बड़ा सा परात में डाल दी हूँ। और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है दोस्तों। देख लीजिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, खूब बराबर से हमें मिक्स करना है, देख लीजिए आप यहाँ पे। और मैं यहाँ पे छोटी वाली बॉल से मैंने यहाँ पे दो चार चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल ले रखी हूँ। यहाँ पे रिफाइन है, आप घी भी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं या रिफाइन कोई चीज़ भी डाल सकते हैं आपके पास जो भी हो। और यहाँ पे मैंने एक कटोरा मैंने यहाँ पे दही ले रखी हूँ, दही फ्रेश है, ताज़ा है दही दोस्तों। और सारे को हमें अच्छे से मिक्स करना है, एक बैग से हमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, हमें थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे पानी डालना है। आप देख लीजिए मैं थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे पानी डाल रही हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बैटर है तैयार हो चुका है, मैंने यहाँ पे 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी। आप देख लीजिए 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे लोई मैं भटोले के लिए बना रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 ग्राम मैदा था, और यहाँ पे करीब 50 ग्राम यहाँ पे सूजी ले रखी थी मैंने दोस्तों। और सारे को भटोरा कम से कम 8 से 9 बनकर रेडी होगा दोस्तों। और हमें जो चकला है ना उसे आराम से इसको घुमाना है दोस्तों, कि कहीं मोटा पतला ना रहे, कहीं देख लीजिए अब मोटा थोड़ा रुक जा रहा है। यहाँ पे अच्छे से हमें बेलना या चकला आप घुमा लीजिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऑयल नहीं डाली थी इसलिए वो दिक्कत हो रहा है हमें। आप देख लीजिए इसको, और कढ़ाई यहाँ पे मैंने रख दी हूँ, और मैंने एक चेक करने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ एक गोली टाइप पे। आप देख सकते हैं हमें चेक करना पड़ता है पहले तेल गर्म हुआ कि नहीं, अब तेल गर्म अच्छे से हो चुका है आप देख लीजिए। और अच्छे से हमें चम्मच की सहायता से ऊपर से तेल थोड़ी थोड़ी डालना है। आप देख लीजिए कितना बढ़िया यहाँ पे बिल्कुल फूला फूला बन रहा है भटोला, बिल्कुल मार्केट जैसा दोस्तों, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे ना दोस्तों, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, घर के ही सामान अवेलेबल सामान रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा बन रहा है, कितना फूला फूला बन रहा है। ऐसे हमें सारे भटोले के ऐसे ही हमें तेल में से इसको ऐसे ही तलना है, और देख लीजिए कितना अच्छा है। थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ी यहाँ पे देख